फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं यूपी के अयोध्या में, जहां पर है राम जन्मभूमि। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कनक भवन का पूरा नज़ारा, जो कि हमारे पीछे है कनक भवन, जिसे कनक महल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जब भगवान राम जी की शादी माँ सीता जी से हुई थी, और माता सीता जी जब अयोध्या आई थी तो भगवान राम जी की माता जी जो थी कैकेयी जी, वो सीता जी की मुदिखाई के रूप में इस महल को ना उनको दिया था। और ये राम जी का और माता सीता जी का ना निजी महल भी था। त्रेता युग की बात मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों, आपको एक खास बात बताऊँ कि इसमें ना श्री राम जी की और माता सीता जी की ना 3 जोड़ी मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको अंदर ले चलकर दिखाऊंगा कि उनका ये कनक भवन, उनका ये निजी महल अंदर से कैसा दिखता है, जहाँ पर हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी और माता सीता जी त्रेता युग में रहा करते थे। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है ना कि द्वापर युग में यहाँ पर श्री कृष्ण जी का भी आगमन हुआ था। श्री कृष्ण जी भी यहाँ पर द्वापर युग में आए हुए थे। तो हमारे जो प्रभु श्री राम जी हैं और श्री कृष्ण जी हैं, जब यहाँ पर आए थे भगवान हमारे, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाई जाए। और हमारे पीछे ही वो महल है। तो चलिए बोलते हैं एक बार फिर से जय श्री राम और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ कनक भवन लिखा हुआ है और यहाँ से हमें सीधे ही जाना है। और थोड़ी सी ही दूर पे ना लेफ्ट साइड में आपको कनक भवन देखने को मिलेगा। उस साइड में देख सकते हैं दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं और आप लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और अयोध्या में ना कई सारी जगहें हैं घूमने वाली। यहाँ पर देखिए लिखा है मंदिर कनक भवन। यही हमारी माता सीता जी और राम जी का ना निजी महल था, और लोग अयोध्या में इसी महल में रहा करते थे, जिसे माता कैकेयी जी ने उन्हें मुदिखाई के रूप में दिया था। तो देख सकते हैं बाहर से ये कितना सुंदर दिख रहा है। और इसी रास्ते से हमें एंट्री करनी है स्लीपर वगैरह निकाल कर। फिलहाल वहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो फोटो आप लोग ले सकते हैं। अभी इस महल के अंदर हम चलेंगे और वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। फिलहाल सामने का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो फ्रंट व्यू है ना इस महल का, वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अंदर आने के बाद ये महल देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे लग रहा है भाई साहब कि सोने का महल है पूरा। और अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, वहाँ पर राम सीता जी का जाप हो रहा है, सभी लोग बैठे हुए हैं। और चारों तरफ देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इस महल को इस टाइम में सजाया गया है, और यहाँ पर कितने ज़्यादा लोगों की भीड़ है। तो यही है हमारा कनक भवन। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हवन कुंड, जहाँ पर राम जी बैठ कर हवन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, वो यही जगह है। और अभी भी यहाँ पर हवन वगैरह ना होता है। तो ये जो भवन आप लोग देख रहे हैं, इसी को माता कैकेयी जी ने राम जी को यानी कि सीता जी को दिया था। और यहाँ पर मत्था टेकने से आपकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तुलसी जी का पेड़ है, जहाँ पर माता सीता जी खड़े होकर तुलसी जी को जल दिया करती थी, और यहीं पर हवन भी हुआ करता था। ये हवन कुंड के नाम से जानते हैं इसे, जहाँ पर हमारे राम जी और माता सीता जी बैठती थी, पूजा पाठ करती थी, हवन करती थी। ये तुलसी जी का पेड़ है, जहाँ पर वो जल दिया करती थी। तो सोचिए त्रेता युग में हमारे राम जी यहीं पर रहते थे, और द्वापर युग में ना श्री कृष्ण जी भी यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, राम जी के महल को देखने के लिए। और यहाँ अंदर देख सकते हैं कि माता जी के मूर्तियों के पास पर्दा लगाया गया है, सभी लोग बैठे हैं। अभी वो पर्दा हटाया जाएगा और सभी लोग राम जी का सीता जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो पर्दा हट चुका है, और सभी लोग काफ़ी तेज़ी के साथ जयकारा लगा रहे हैं, और वो पर्दा बस हटने ही वाला है। आइए मैं आपको राम जी का सीता जी का जो 3 जोड़ी मूर्तियाँ रखी गई हैं वहाँ का दर्शन कराता हूँ। पहले ये महल अंदर से देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से डिजाइनिंग किया गया है, बनवाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर आने में। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राम जी की और सीता जी की 3 जोड़ी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, जहाँ पर वो लोग विश्राम किया करते थे। और यही वो जगह है जिसकी मान्यता है कि यहीं पर राम जी सीता जी रहा करते थे। देखिए तीनों जोड़ी मूर्ति आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये एक पवित्र धाम है, जहाँ पर हमारे राम जी का निजी महल था, सीता जी का निजी महल था। और इन 3 जोड़ी मूर्तियों का दर्शन करने के लिए ना अयोध्यावासी जितने लोग भी आते हैं दूर दराज से, वो लोग कनक भवन घूमने के लिए, यहाँ का दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो मैं आपको जूम करके यहाँ का दर्शन करा रहा हूँ। बोलिए एक बार प्यार से श्री राम जी की जय। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे यहाँ पर
कलश रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे और उसमें जल रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमेशा ना शाम के टाइम में यहाँ पर पर्दे हटाए जाते हैं, कुछ देर के लिए कनक भवन को भी बंद किया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना शानदार है इनका ये आलिशान सा भवन। दोस्तों आइए थोड़ा सा आपको इस कनक भवन का ना पूरा इतिहास बताते हैं। आपको बता दें कि त्रेता युग में मिथिला में महाराज जनक की सभा में जब श्री राम जी ने भगवान शंकर जी के धनुष को भंग कर दिया, तब जानकी ने यानी कि माता सीता जी ने उनके गले में ना जयमाला डाल दी। उस रात्रि प्रभु यह विचार करने लगे कि जनक नंदिनी वैदेही अब हमारी अयोध्या जाएंगी, इसलिए उनके लिए वहाँ अति सुंदर भवन होना चाहिए। और आपको बता दें जिस क्षण भगवान के मन में ये कामना उठी ना, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में संकेत मिल गए और महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न में दिखे कनक भवन की प्रकृति अयोध्या में बनाने की न इच्छा जताई। दशरथ जी के आग्रह पर शिल्पीकार विश्वकर्मा कनक भवन को बनाने के लिए अयोध्या आए। उन्होंने अति सुंदर कनक भवन बनाया और माता कैकेयी ने वह भवन अपनी बहू सीता को मुदिखाई में दिया। विवाह के बाद में राम सीता इसी भवन में रहने लगे। इसमें कई सारे असंख्य दुर्लभ रत्न जुड़े हुए हैं। फिर इस भवन को बाद में ना महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। विशाल कनक भवन 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा, बीच बीच में उसकी मरम्मत होती रही। दोस्तों कहा जाता है कि द्वापर में श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी सहित जब अयोध्या आए, तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था। यज्ञेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से श्री सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहाँ स्थापित कर दिया। दोनों विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। इनका दर्शन करते ही लोग न मंत्रमुग्ध होकर अपनी सूध बूध भूल जाते हैं। वास्तव में कनक भवन सीताराम का न अंतपुरा है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुजो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित सभी लोग विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण मुकुट पहन रखे हैं। मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर आज भी महल के समान प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कनक भवन का पूरा नज़ारा दिखाया है, जो कि दशरथ महल से कुछ ही दूर पर स्थित है और यहीं पर राम जी सीता जी रहते थे, उनका निजी महल था। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।